On your marks, get set, go. जब तक ये लोग डिसाइड करेंगे, मैं आपको रेस 3 का रिव्यू बता देता हूँ. रेस 3 आज रिलीज हुई है और इसमें सलमान खान, उनके साथ अनिल कपूर, उसके साथ साकिब सलीम और उनके साथ जैकलिन फर्नांडिस, डायरेक्ट किया है रेमो डिसूजा ने. अबे किधर गए, ओए रुको. परिवार के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे. कहानी बहुत ही सिंपल है. अनिल कपूर के किरदार का नाम होता है शमशेर और शमशेर का एक सौतेला बेटा होता है सिकंदर, जो कि सलमान खान. उनके सिकंदर के अलावा दो असली बच्चे होते हैं, अपने बच्चे होते हैं. एक का नाम होता है सूरज यानी साकिब सलीम और दूसरे का नाम होता है संजना यानी टेसी शाह का किरदार. और ये फैमिली जो है, सिंह परिवार जो है, यश यानी बॉबी देओल जो उनका दोस्त है, उनके साथ मिलके ना एक इलीगल हथियार का धंधा करते हैं. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जैकलिन फर्नांडिस यानी जैसिका मिलती है सलमान खान से और उनका रोमांस शुरू होता है. तब सबके ना वॉट लग जाती है, सबके मोटिव उसी तब बाहर निकलते हैं. और यही है रेस 3 की कहानी. टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने इस फिल्म को दिए 2.5 stars और वो कहते हैं कि भाई साहब फिल्म बड़ी स्टाइलिश है. मतलब बहुत ही स्टाइलिश है, पर जैसे ही स्टाइलिश फिल्म आगे जाती रहती है सब्सटेंस कम होता रहता है. मतलब सिंह परिवार जो है वो एक क्या बोलते हैं उसे चोरी को अंजाम देने वाला होता है, जिसमें वो बैंक से एक हार्ड ड्राइव चुराता है. पर आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, प्लॉट कमाल का है, पर इतनी हल्की कहानी है ना कि कुछ सीरियस लगता ही नहीं है यार. मतलब फिल्म के साथ ऑडियंस रिलेट ही नहीं कर पाती है. और हर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस जैसी जो लाइनें हैं ना, वैसी बहुत सारी कमाल की लाइनें हैं, जैसे पागल हो जाओगे. एक्शन बहुत कमाल का है, पर फिल्म और एक्टिंग दोनों ही टाइम टाइम फेस है. और काफ़ी सारा एक्शन जो है ना वो स्लो मोशन में है, तो आप देखते देखते थोड़ा सा बोर हो जाते हो. सलमान खान ने कमाल का एक्शन किया है, पर उनका किरदार ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया. 2.5 stars. हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स ने इस फिल्म को दिए 1 star और वो क्यों, वो आपको मैं नहीं बताएंगे, वो आपको चचा बताएंगे. चचा ईद मुबारक, बता दो क्यों दिया 1 star है. देखो बेटा, जिस तरह हम तुम्हारी चची के फैन है ना, उसी तरह ये फिल्म रेस 3 सिर्फ सलमान के फैंस के लिए. जो सलमान का फैन नहीं है वो अपना काम करो जाके यार. फिल्म में फिल्म मेकिंग और स्क्रीन प्ले को अच्छा करने की कोशिश भी नहीं दिखती है यार. और सलमान खान तो जेम्स बॉन्ड है, जिनमें ठस ठस भरा हुआ कॉन्फिडेंस. और भाई जब फिल्म में ना वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ गया है कल्लोवाज, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सलमान के फैंस के लिए. और रेमो फर्नांडिस ने रज रज के गाड़ियां उड़ाई है, और गाड़ी नहीं मिली तो पेड़ उड़ा दिया है. हाउ कैन यू उड़ाऊ द पेड़, हैं? पेड़ हमारा पापा है. हमें कुछ नहीं आता, बट पेड़ को कैसे उड़ाया, मतलब फिल्म बकवास है यार. सलमान खान के फैंस के लिए पेड़ कैसे उड़ा दिया यार. हानी तो 1 star. हाँ, NDTV के साइबल चैटर्जी ने इस फिल्म को दिए 1.5 stars और वो लिखते हैं कि भाई साहब फिल्म का एक्शन इतना एक्साइटिंग है जितना एक्साइटिंग है एक डेंटिस्ट की कुर्सी पर 3 घंटे बैठना. स्क्रीन प्ले बहुत ही बेकार है, डायलॉग बहुत ही नॉर्मल है, परफॉर्मेंस की तो बात ही मत करो जमाब, मतलब लापरवाही बरती हुई है यार. और फिल्म में आपको जेन्युइन फायर पावर दिखती ही नहीं है. 1.5 stars. इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को दिया 1.5 stars और वो लिखती हैं कि भाई साहब फिल्म में ना एक वक्त ऐसा आया जब वो वक्त काट रही थी, मतलब समझ जाओ टाइम ना पास हो रहा भाई हमारा. पर सरप्राइजिंगली वो कहती हैं कि जब भाई और जैसिका यानी जैकलिन फर्नांडिस स्क्रीन पर आते हैं ना तो फिल्म उड़ जाती है. एंड वंस दे आर गॉन फिल्म गोज डाउन. बाकी फिल्म एक रीसाइकल बेन में कार क्रैशेस का, धमाकों का, स्टाइलिश किरदारों का, बाकी फिल्म में कुछ भी नहीं है. और जाते जाते ना ये पता लग जाता है कि रेस 4 भी आने वाली है. यस, रेस 4 भी आएगी. एंड वो कहती हैं कि शी होप्स कि जो रेस 3 में गलतियाँ हो ना वो रेस 4 में ना हो. तो 4 रिव्यूज के हिसाब से फिल्म रेस 3 को मिलते हैं 1.6 stars. और जाते जाते बॉलीवुड शायरी मेरे जनाब, रेस 3 में सलमान खान लगे हैं काफी मारक. रेस 3 में सलमान खान लगे हैं काफी मारक. मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक. आप सबको बीबीसी हिंदी की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक. और अगर आपको मेरी अच्छी वाली शायरी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी वाली शायरी लिख दीजिए. और जाने से पहले बीबीसी हिंदी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बीबीसी हिंदी का फेसबुक पन्ना लाइक करना ना भूलिएगा. मैं विदित देता हूँ आपसे विदा और मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते. तब तक आप सबको ईद मुबारक मेरी जान.